हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, शुभाशीष। कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक नया और बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूं, बड़े चलो सीरीज का एक और नया वीडियो। और ये दिसंबर 2022 का पेपर है जो डाइट रुद्रप्रयाग के द्वारा तैयार किया गया है और बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं इसमें। और इसमें एक बात और है, जो बच्चे सीखने वाले हैं जिनका लेवल बहुत ऊपर नहीं है, उनके लिए भी ये पेपर मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे भी बैठे हैं, इन बच्चों के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों शुरू करें जी। यहाँ पे देखिए, ये चार अक्ष को फिगर्स दे रखे हैं जी। इन चार फिगर्स में तीन फिगर किसी न किसी रूप से एक समान है जी। और एक फिगर अलग है जी। तो आपने मुझे बताना है कि इसमें अलग फिगर कौन सा है। पहले प्रश्न नंबर एक के चार फिगर देखो, एक दो तीन चार, ये चार फिगर है जी। तो बताओ इनमें अलग कौन सा है, कौन सा लग रहा है? सर ए, ए, ए वाला जी। क्यों? इसका तीर अंदर है, बाकी सबका तीर बाहर की तरफ, तो आंसर ए होगा। समझ में आया? इसमें देखिए, ये जो कप वाली आकृति है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, तो बोलो अलग क्या लग रहा है? सबके ऊपर ऐसा है, इसका भी ऐसी है, इसका भी ऐसा है, इसका भी ऐसा है, लेकिन नीचे में देखो ये आधा गोला सा बना है, इसपे भी आधा गोला बना है, इसपे भी आधा गोला बना है, लेकिन इसपे तो इसका मतलब ये अलग है। इसमें देखिए, ये ऐसा है, ये इसके अंदर बॉक्स है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर लाइनिंग है, ये गोला है, गोले के अंदर लाइनिंग है। तो बताओ अलग कौन सा है? सर बी, बी वाला, क्योंकि सब में लाइनिंग है जी। और बी वाले में क्या है? इसमें बॉक्स बने हैं। इसमें देखिए, ये ट्रायंगल है, त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, सबके अंदर तीन तीन गोले हैं जी। तो इनमें अलग क्या है? देखो, इसके ऊपर ऐसा है, इसके ऊपर ऐसा है, इसके पीछे है ऐसा, इसके ऊपर ऐसा। ज्यादा सही क्या लग रहा है? सी की डी, तो डी मान लेते हैं, ज्यादा सही डी लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दो गोले हैं और ये अलग सही, बाकी सब में तीन तीन है। इसमें देखो, यहाँ बॉक्स बना है, इस बॉक्स के बाहर चार वृत्त हैं, ये भी ये वर्ग सीधा बना है, इसके बाहर भी चार है, ये आयत बना है, इसके बाहर चार है, ये ऐसा बना है, लेकिन यहाँ देखो दो दो आकृतियां हैं, इसके बाहर भी बॉक्स है, बाहर अंदर भी बॉक्स है, इसके अंदर भी बॉक्स है, बाहर भी बॉक्स है, इसके अंदर भी है, इसके बाहर भी है, लेकिन इस पे नहीं। तो सी वाला अलग होगा, क्योंकि ये आयत भी बना है, बाकी सब में वर्ग बने हैं। यहाँ देखो, पहले एक फिगर दे रखा है, पहला वाला, इसी की तरह इनमें से सेम टू सेम कौन सा फिगर है ये आपको खोजना है। तो देखो, ये इसको अगर हम मिलाएंगे तो इसके नीचे देखो आधा पे है, ये कट के आधा, ठीक है, इसमें पूरे पे ये तो है नहीं, इसके भी पूरे पे है, ये भी है नहीं, इसके आधे पे है, और इसके ये देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पूरी तरह से मैच कर रहा है सी वाला। अब डी वाले का देखो, यहाँ ये है लेकिन इसकी दूसरी तरफ है, इसको देखो ये गुणा का निशान है इतना बड़ा, और अंदर छोटा धन का निशान, और ये वर्ग बना है, ठीक है ना। तो ये वर्ग तो यहाँ बहुत मोटा हो गया, नहीं हो गया ए वाले में, तो ये तो हो नहीं सकता। बी वाले का देखो, ये और ये गुणा का निशान, ये धन का निशान, और ये वर्ग बना है, तो ये बिल्कुल सही है जी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। इसका देखो, इसके दोनों तरफ ऐसे हैं, तो देखो यहाँ पे मैच कर रहा है, देखो ए वाला साफ पता चल रहा है कि ये है जी। ये क्योंकि इसका दूसरी तरफ ऐसा बना है, इसके अंदर ये आयत बना है, और इसका भी उल्टा बना है। इसमें देखिए, आपने क्या करना है, एक फिगर दे रखा है ठीक इसके जैसा फिगर, इनमें से कौन सा है उसको खोजना है। तो देखो यहाँ देखो, तिरछी तिरछी सी लाइन अंदर इस खाने में, तो लेकिन इसके देखो खड़े में है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ इसकी सीधी है, तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ इसके भी खड़े में है सीधी, तो देखो ये सेम मिल रहा है जी। ये देखो, इसके अंदर ये वर्ग बना है, और इसके बाहर भी चार वर्ग छोटे हैं, तो देखो इसके तो अंदर की तरफ वर्ग बने हैं, इसके बाहर वर्ग नहीं बने, क्या बने? वृत्त बने। अब देखो ये ऐसा है, इसके बाहर चार वर्ग बने हैं, तो बिल्कुल सही है जी। ठीक है ना, ये दूसरे ढंग का, ये सीधा सीधा खड़ा आयत वर्ग है। ये देखो, ये त्रिभुज है,
इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर फिर एक दो ऐसे में, दो ऐसे में त्रिभुज है। तो इसके अलग इसके दूसरे शेप में दे रखे, ऐसे शेप में नहीं है, हम बीच की लाइन ऐसे में नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। इसमें भी बीच की लाइन नहीं है, देखो इसमें है बीच की लाइन, और ये दोनों है, ये दोनों बिल्कुल सही है। यहाँ देखो ये वृत्त जैसा बना है, इस पे ऐसा है, नीचे ऐसी आकृति है। तो देखो इस पे ऐसी आकृति ऐसी है, ये ऐसा है, ये देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, जैसा ये है वैसे तो ये है। इसमें देखो ये अलग हो गया, यहाँ ऐसा 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 बना है, जबकि इसमें त्रिभुज बना है, इसमें वर्ग जैसा बना है, यहाँ त्रिभुज तो बने हैं लेकिन ये ऐसा नहीं कटा है। देखो यहाँ इस पे भी ऐसा नहीं कटा है, ठीक है ना। यहाँ देखो ये यहाँ गोला है, यहाँ गोला है, बीच में तीर है। अब यहाँ देखो दोनों तरफ तीर है, बीच में गोला है, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ दोनों तरफ गोले हैं, बीच में तीर है, और नीचे से देखो यहाँ पे दोनों तरफ तीर है, यहाँ गोला है, दोनों तरफ तीर है, गोला है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है। बाकी खाने भी उतने ही बने हैं, यहाँ दो गोले बन गए, यहाँ दो गोले इधर एक साथ बन गए, एक वर्ग है पूरा। इसके चार खाने कर रखे हैं, ठीक है, चार खानों में से तीन खाने भरे हुए हैं, चौथा खाना हमने भरना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसी क्रम से मिलाएं, जैसे ही तीनों खाने मिले हैं तो ऐसा मिल जाएगा जी, और ये गोला ऐसा हो जाएगा, ये गोला ऐसा हो जाएगा, और एक गोला अंदर है तो एक गोला अंदर हो जाएगा। अब देखो इनमें से कौन सा है, सेट डी, ये और ये बिल्कुल सही है। इसको आप लोग नीचे मिला लो ऐसे, फिर ये मिलाया, फिर ये मिलाया, फिर ये मिलाया, ये पर यहाँ जो है गोला पूरा किया, यहाँ भी गोला पूरा किया, तो देखो कौन सा है। ये देखो ये गोला ना, ये तो नीचे हो रहा है गोला पूरा, ठीक है ना सर। इसमें जो है ऊपर होना चाहिए गोला पूरा जी, तो ये देखो बी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, ये गोला ऊपर पूरा, ये देखो ये वाले से भी आ गई, ये हो रहा है ना जी। इसको अगर देखो जैसे ये यहाँ मिला रखा है ऐसा, तो यहाँ हमने ये त्रिभुज ऐसा पूरा करना है, और यहाँ ये वाला त्रिभुज पूरा करना है। तो देखो ये वाली शेप जहाँ मिलेगी, जो लाल वाली शेप है, बिल्कुल देखो बी वाला मैच कर रहा है जी। इसको देखो इसको पूरा करेंगे तो इसको हम ये मिला देंगे। अब देखो इसकी लाइन के दोनों तरफ गोले हैं, इस लाइन के भी दोनों तरफ गोले हैं, तो इस लाइन के भी दोनों तरफ गोले हैं, और इस तरफ इस लाइन के भी दोनों तरफ गोले होंगे। तो देखो ये तो उल्टा उल्टी डायरेक्शन में कर रहा है पूरा, तो उल्टी डायरेक्शन में ये वाला कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखो इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तो कौन ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, तो देखो सी वाला पूरा कर रहा है। ये कह रहे हैं ये तीनों एक निश्चित क्रम से चेंज हो रहे हैं, ध्यान से देख रहे हो, पहले ये इस तरफ था, ये तो दूसरे नंबर पे इधर इधर चला गया, तीसरे नंबर पे ऊपर चला गया, तो चौथे नंबर पे यहाँ जाएगा जी। तो यहाँ इसका तो है नहीं, तो केवल इसका है जी, उत्तर यही है, इसका है लेकिन ये काला हो जी, नहीं समझे। चार खाने थे ना पहले, इस खाने पे तो, दूसरे नंबर पे इस खाने पे, तीसरे नंबर पे इस खाने पे, तो चौथे नंबर पे इस खाने पे जाएगा कि नहीं जाएगा, इसी वाले पे। यहाँ देखो ये तीर है, अब ये तीर जो है इधर का तीर इस कोने आ गया, फिर ये तीर तीसरे नंबर पे गया, ठीक है ना, तो अब दूसरे नंबर पे जाएगा, तो दूसरे नंबर पे तीर ऊपर जो है इन दोनों पे है, इसका रिस्का। अब दूसरा देखेंगे, ये नीचे को था दूसरे नंबर पे, तो ये पहले नंबर पे चला गया, फिर ये लास्ट में गया, अब ये तीसरे नंबर पे जाएगा, तो तीसरे नंबर पे इसके भी है और इसके भी है, अभी दोनों बराबर हैं। अभी इसको देखो ये ऐसा था जी, ये दोनों एक समान है जी, अब ये दोनों जो है एक छोड़ के इधर आ गए, फिर यहाँ जो ये दोनों एक छोड़ के दोनों इधर आ गए, अब क्या हो गया, इधर का एक इस साइड कोने चला जाएगा, एक इधर रह जाएगा, ठीक है ना। तो एक इस कोने एक इस कोने, तो देखो ये इसमें नहीं है, इसमें नीचे को उल्टा हो गया, तो सही उत्तर क्या है, डी, दो तीन छह, यहाँ है तीन चार बारह, यानी दो तीन छह, तीन चको बारह, पहले यहाँ दो तीन था तीन चको, अब यहाँ चार पांच है, तो चार पंजे बीस, तब यहाँ क्या होगा पांच छह होगा। लेकिन यहाँ देखो इस पे तीस तो है, लेकिन यहाँ ये भी देखो कि त्रिभुज पहले उल्टा बना था,
फिर उल्टा बना, फिर ये नीचे को बना, तो अब ऊपर को बनेगा, तो 5 31 ये वाला बी वाला सी वाला नहीं होगा। इसको देखेंगे हम, यहाँ 6 है, यहाँ 8 हो गया, 2 ज्यादा, यहाँ 2 ज्यादा, 10, तो यहाँ क्या होगा, 12 हो जाएगा, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, 14 है, तो 15 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर 20 है, यहाँ 15 है, 5 कम है, फिर यहाँ से 10 है, 5 कम है, तो यहाँ केवल 5 ही होगा, तो 5 12 15 इसमें देखो ये वाला ऐसा है, और इसके जो है ना एक यहाँ 3, क्योंकि ये 3 वैली बनी है, तो 3 वो है इसमें वृत्त, यहाँ भी देखो 3 वैली ऐसे बनी तो 3 ही वृत्त है, यहाँ भी देखो 3 वैली बनी है तो 3 ही वृत्त है। इसमें देखो ये 2 त्रिभुज नीचे को है, इधर ये 2 त्रिभुज इधर को हो गए, पहले इनका मुंह नीचे था, अब इन त्रिभुजों का मुंह इधर हो गया, अब इन त्रिभुजों का मुंह कहाँ हो गया, खड़ा ऊपर, तो पहले नीचे फिर इधर फिर उधर, अब इधर को होगा भाई मुंह इधर, तो 2 त्रिभुजों का मुंह हो गया। लेकिन इसके अंदर इनके आगे देखो 3 गोले हैं, तो यहाँ तो 2 गोले अंदर है, तो ये 2 त्रिभुज है, इसके आगे 3 गोले हैं, तो आंसर यही होगा, यहाँ तो ये 2 त्रिभुज इधर है लेकिन इसमें 2 ही गोले हैं, और यहाँ त्रिभुज 3 हो गए, यहाँ मिलाना है ऐसे नीचे, इसको भी पूरा करना है इसी पैटर्न के हिसाब से, ये यहाँ मिल जाएगा और यहाँ पे ये गोला ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर ऐसा है ना, और यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा। तो देखो ऐसी शेप कौन सी है, ये तो है नहीं, तो कौन सी लग रही है, देखो ये बी वाला ये है ना कटा हुआ, और यहाँ से भी ये कटा है ना, ये बीच में ये भी है, ये भी, ये देखो ये ऐसा है, इसको पूरा वर्ग बनाना है, क्या बनाना है, अब ये वाली आकृति ढूंढिए आपको, ये वाली आकृति कौन सी है, ये तो मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, यही मिल रहा है, बाकी तो ये तो बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा थोड़ी है इसके अंदर, ये भी बिल्कुल सही नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा छोटा बना दिया इसको, लेकिन फिर भी मैच कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर का ये खोजना है आपको, अंदर का बाहर, तो देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अब यहाँ देखो इसका तो एक लंबा है, ये तो दूसरे ढंग का हो गया, इसमें 4 ही है, तो सही आंसर क्या होगा, ये देखो इसको भी हमने पूरा किया, तो यहाँ ऐसा मिला है, ये हुआ, ये हुआ, ये वाले आकृति आपको खोजनी है, तो यहाँ तो पूरा मिल रखा है, यहाँ तो बना हुआ है ना, तो ये कटा हुआ ना तो होना चाहिए था सर, पी ये, तो यहाँ तो गोला बना है, तो गोला तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ तो सीधा है, यहाँ पे काला काला तो हो नहीं सकता, तो इसलिए बी ही मिल रहा है। इसको हम पूरा करेंगे ऐसी किसी पैटर्न में, देखिए तो ये वाले आकृति में ढूंढनी है, ये वाला फिगर देखो, ये वाला फिगर कौन सा, यही होगा, बाकी कोई नहीं मैच कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला, यहाँ ये करना है कि जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका इससे होना चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ 5 थे लेकिन यहाँ 3 हो गए एक लाइन, यानी 2 कम हो गए, अब यहाँ 4 है तो यहाँ भी 2 कम होंगे, तो 2 ही रहेंगे एक लाइन में, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये पंचभुज बोलते हैं बेटा इसको, आप लोग अभी सीख जाओगे, ये है पंचभुज, 5 भुजाएं इसमें, 1 2 3 4 5 अब पंचभुज यहाँ चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं का, अब यहाँ देखो षटभुज है, 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ 6 भुजाएं, तो यहाँ फिर पंचभुज हो जाएगा ये वाला, तो ये वाला यही है, ये ऐसा था, तो ये इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, घड़ी की सुई के अनुसार घुमा दिया, और जो बाहर की बिंदी थी वो अंदर चले गई अंदर की तरफ, तो ये ऐसा है, तो इसको भी हम क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा जी, अंदर, और ये बाहर की बिंदी अंदर चले जाएंगी दोनों, तो देखो दोनों, ये था ये,
और इधर उल्टा डायरेक्शन में हो गया, काला हो गया। ये काली बिंदी थी तो ये उल्टी डायरेक्शन में चली गई और सफेद हो गई। तो ये ऐसा था तो ये भी उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा और सफेद हो जाएगा, सफेद होगा। और ये इधर है, इसकी डायरेक्शन जो है इधर थी तो इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी और काला हो जाएगा जी। तो ऐसा बी वाला होगा, डायरेक्शन इधर इधर की होगी इसकी जी। ठीक है ना, बी वाला। ये त्रिभुज है, इसके नीचे दो है तो ये चतुर्भुज बन गया, अंदर चले गया। मतलब इसके तीन भुजाएं हैं, इसकी चार हो गई, तो इसके देखो पांच भुजाएं हैं तो यहाँ छह हो जाएंगे। अब जब इसके नीचे है दो तो इसके अंदर चले गए, इसके नीचे तीन है तो यहाँ तीन अंदर घुस जाएंगे। तो छह भुजा वाला ये है और तीन अंदर ये, सब पांच। तो जब इसके आगे हम आईना लगाएंगे तो कैसे दिखेगा, तो एस एस है ना, तो आईने पे इधर ऐसा दिखेगा, एस एच दो ऐसे दिखेगा, टी भी वैसे दिखेगा वैसे से, ए भी वैसे दिखेगा, एम भी वैसे दिखता है ऐसे से। तो ये लेकिन ऐसे हो जाएंगे एम ए टी एच एस। तो ये तो यहाँ एम इधर थोड़ी है, ठीक है ना, एम ए टी एच एस ये देखो बिल्कुल ऐसा हो जाए, ठीक है ना। अब ये ऐसी आकृति ये देखो डी जैसे और अंदर ये सीधी है, तो ये ठीक उल्टी हो जाएगी ऐसे। और इसके बाहर से ये हो जाएगा, तो देखो ये तो उल्टा होगा नहीं, ये तो गलत है, पर ये ऐसा हो जाएगा। देखो ये सही है, ये पेंसिल का चित्र है। तो देखो शीशे की तरफ ये पेंसिल के पीछे का हिस्सा है, तो यहाँ शीशे की तरफ पीछे का ही हिस्सा रहेगा पेंसिल, समझ रहे हो। और आगे वाला इधर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आई तो वैसे ही रहेगा, सी भी शीशे की तरफ ऐसा हो जाएगा, एम कैसा हो जाएगा उल्टा, ये ही दिखेगा। ये जो त्रिभुज इधर को ऐसी से की तरफ ना, तो यहाँ ऐसा दिखेगा त्रिभुज इधर, ठीक है ना। और यहाँ खड़ी लाइन यहाँ हो जाएंगी और इधर को खड़ी लाइन इधर हो जाएंगी। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, देखो ये तो इतना बड़ा है, ये तो ज्यादा पतला हो गया, ये तीनों ज्यादा पतले हो गए, तो यही तो मैच कर रहा है। ये तो शीशे की तरफ है, तो ये शीशे की तरफ रहेगा इस तरफ, ये गोला और यहाँ पे ये तीर, और ये तो नीचे है तो नीचे ही रहेगा, और ये तो ऐसे है तो ऐसे रहेंगे। इसका ये देखो ये कट का निशान जैसा, ये इस शीशे की तरफ है और ये ऊपर को है और ये बॉक्स इधर है। तो देखो ये कौन मैच कर रहा है, इसके आगे तो ऐसा है, ये तो मैच नहीं कर रहा है, इसके आगे ये है ये है, ये देखो ये बिल्कुल मैच कर रहा है। मैं आपको क्या करना है, ये जो एक फिगर बना है, ये फिगर इनमें से किसके अंदर छुपा है ये खोजना है। तो देखो ये है ऐसा, तो यहाँ देखो यहाँ कहीं छुपा है ऐसा, इसमें तो नहीं मिल रहा है, तो लेकिन इसमें देखो ये साफ दिख रहा है, ये देखो ये 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 मार्ग जैसी है ऐसे, ऐसे मार्ग जैसे देखो कहाँ मिल रही है, ये देखेंगे तो ये आगे नहीं जा रही, ठीक है ना। इसमें देखो तो ये भी नहीं मिल रही है, देखो इसमें मिल रही है, ये यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से ये मिल रही है ना, ये वाले आकर से ऐसे खोजने पड़ते। ये देखो एक त्रिभुज ऊपर है एक त्रिभुज नीचे, कहाँ मिल रहा है देखो, इसमें तो सारे बराबर त्रिभुज है, ये तो हो नहीं सकता। इसमें देखो ये देखो इसमें ये पड़ा है लेकिन ये किनारे है, इसमें मिल रहा है देखो बिल्कुल, ये बड़ा है और ये छोटा वाला है, इसके अंदर है। ये वाली जट जैसा आकृति आपको खोजनी है, तो देखो इसमें तो कहीं जट है दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। इतना तिरछा है तो देखो इतना तिरछा इसी में दिख रहा है, यहां से लेंगे हम तो ये मिल गया, देखो ये तो उल्टा हो गया, इसमें बहुत कम तिरछा है, मिल तो इसमें भी रहा है लेकिन ये सीधा खड़ा है ना, जबकि ये तिरछा है तो तिरछा इसी में मिल रहा है। ये देखो ये ऐसी आकृति अंदर वर्ग सा बना है ऐसा, और ये आकृति जो अंदर वर्ग है ये है अंदर वर्ग है, और ये वाला वर्ग ऐसे खड़ा वाला वर्ग ये है, इसमें मिल रहा है। देखो ये कागज मोड़ने वाली आकृतियां हैं,
एक कागज हमारे पास चौकोर है, इसको हमने पहले ऐसा मोड़ा, इधर को मोड़ा, फिर यहाँ से ऐसा मोड़ दिया, ऊपर यहाँ से मोड़ तो ऊपर कर दिया, ऐसा हो गया। अब जब हम इसको छेद कर दे यहाँ तो, जब यहाँ गोल छेद हो गया, जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ भी छेद हो गया, यानी दो छेद हो गए हमारे पास यहाँ आ गया। फिर इसको हम किस तरफ को खोलेंगे तो ये छेद यहाँ यहाँ हो गए, तो चार छेद हो जाएंगे। और कैसे होंगे? ऐसे होंगे। समझ में आया? ये कागज था चौकोर था, हमने यहाँ फोड़ किया ऐसा, फिर इसको इधर को फोड़ किया और यहाँ देखो इसमें तीन छेद किए। तो जब हम इसको इधर खोलेंगे तो ये वाला छेद इधर चला जाएगा और ये दो छेद यहाँ हो जाएंगे। फिर जब हम ऊपर को खोलेंगे तो ये दो छेद यहीं पे हो जाएंगे और ये चार छेद जो है ऊपर हो जाएंगे। तो देखो चार ऐसे में हो गए, चार ऐसे में, ये तो नहीं होंगे। ये देखो एक दो ये नीचे ये अंदर वाले, तो बी वाले साफ पता चल रहा है। ये कागज हमने ये त्रिभुज की तरह ऐसा मोड़ा, फिर इधर को फोड़ कर दिया रस में, फिर इस पे दो छेद कर दे। अब क्योंकि जब हमने पहले दोबारा ऐसा खोला था तो इसका ये वाला छेद तो यहीं पे हो जाएगा और ये वाला छेद खुल के यहाँ चला जाएगा। फिर जब इधर को ऊपर दूसरी तरफ का खोलेंगे तो ये दोनों छेद इसको निकल भी हो जाएंगे ऐसे और ये वाले छेद यहाँ पे भी हो जाएंगे। तो देखो कौन से, देखो इसके डी वाले के, इसको हमने ऊपर की तरफ मोड़ा फिर इधर को मोड़ा। इधर मोड़ने के बाद हमने क्या किया, इसको ऐसा काट दिया, देख रहे हैं? लेकिन जब हम फिर इसको इधर को खोलेंगे तो इसका कटा हुआ इधर को भी तो आएगा ऐसा, और जब फिर ये नीचे को खोलेंगे पूरा तो ये वाला कटा हुआ जो है ना यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, तो ये वाला होगा ऐसा फिगर आएगा। यहाँ कागज को हमने त्रिभुज की तरह मोड़ा, फिर इसको एक फोल्ड और किया, ऐसा मोड़ दिया, मोड़ करके कैसे किया, ये क्या कर रखा है इसने, अच्छा केवल ये वाला कोना मोड़ रखा है, ये वाला कोना मोड़ के इधर किया और यहाँ वर्ग बना दिया। तो जब हम पहले ये वाला कोना खोलेंगे तो ये वर्ग इधर आ जाएगा जी। और जब हम इसको पूरा इधर खोलेंगे तो एक वर्ग इधर आएगा, एक इधर आ जाएगा, इन दोनों वर्गों के बाद तो चार वर्ग एक सीट में आएंगे। तो कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे जी। इसमें देखिए कुछ फिगर दे रखे हैं, जैसे ये दो त्रिभुज हैं, एक ये चतुर्भुज है, चार भुजाओं वाला ये भी चतुर्भुज, इनको आपस में मिला करके इनमें से कौन सी आकृति बन रही है ये देखना, या ये भी कह सकता हूँ कि ये जैसे ये दो त्रिभुज है ना, तो देखो साफ इन दो त्रिभुज ये भी है, ये दोनों त्रिभुज, अब ये चतुर्भुज ये है लेकिन यहाँ एक त्रिभुज है, ये वाला आकृति नहीं मिल रही है, ठीक है ना? तो ये इसमें भी नहीं मिल रही है, देखो इसमें मिल रही है, ये दो त्रिभुज जो है ये है, ये वाले दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, और ये बड़ा वाला चतुर्भुज जो है ये नीचे वाला, ये छोटा वाला चतुर्भुज जो है ये ऊपर वाला, तो चारों से मिलके बन गया कि नहीं बना जी। ये पहली बार देख रहे हैं ना आप लोग आज तीन वाले जी। समझ में आ रहा है जी। अब यहाँ देखो ये वर्ग है, सॉरी आयत है, ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज ऐसा है इसका कटा हुआ, तो इसमें देखो तो ये कटा हुआ त्रिभुज भी होना चाहिए, उसमें तो ये कटा हुआ त्रिभुज तो है नहीं, ये देखो इसमें कटा हुआ त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज देखो ये है कि नहीं है, और ये वाला जो आयत है ये है, तो ये देखो तीनों मिल रहे हैं सब, इसमें भी कटा हुआ त्रिभुज नहीं, इसमें कटा हुआ त्रिभुज है आयत है लेकिन ये वाला त्रिभुज नहीं है, ये बहुत छोटा त्रिभुज है। अब यहाँ देखो यहाँ इतने सारे फिगर है, दो त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज छोटा है, एक चतुर्भुज ऐसा है, एक आयत एक वर्ग है, तो देखो एक आयत एक वर्ग, ये वाली आकृति यहाँ ऊपर है, ये दोनों त्रिभुज जो है ये दोनों कोनों पे हो गए, और ये जो छोटा त्रिभुज है ये हो गया, तो देखो इसी के साथ मैच कर रहा है, देखो चार वर्ग हैं तो चार वर्ग तो यहाँ ही नहीं बराबर, ठीक है ना? यहाँ देखो दो त्रिभुज हैं लेकिन ये छोटा वाला त्रिभुज इसमें है ही, इसमें देखो छोटा वाला त्रिभुज तो है लेकिन यहाँ ये काली बिंदी भी आ गई, जब यहाँ बिंदी तो है ही, ये त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसके अंदर त्रिभुज है, ये त्रिभुज है एक है, ये होगा इस पे मैच नहीं कर रहा है, ये एक त्रिभुज ये है, ये बड़ा वाला है बाहर,
और इसके अंदर का त्रिभुज भी बना लेते हैं। जी ठीक है ना जी। ये तो हमने एक त्रिभुज ढूंढा, एक त्रिभुज ये है और इसके अंदर का त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है और इसके अंदर का त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है और इसके अंदर का त्रिभुज ये है। मिल गया ना चारों त्रिभुज जी। और इसके अंदर के त्रिभुज तो सारे के सारे मैच कर रहे हैं जी। यहाँ देखिए एक गोले ऐसे दो बड़े और एक त्रिभुज जैसा एक ये है, तो देखो ये साफ पता चल रहा है पहले में, दो बड़े गोले ये है और एक त्रिभुज जैसा है, ये बाहर वाला ये है जी। इसमें देखो बाहर वाला थोड़ा अलग ही दे रखा है, इसमें देखो बहुत बड़ा दे रखा है बाहर वाला, अरे तो बिल्कुल ये लगा करती है जी। तो ये 50 क्वेश्चन हमारे हो गए फिगर से संबंधित, इसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी।